तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में माइनक्राफ्ट एक्सरे वर्जन मोड। तो गाइस इस मोड के अंदर बेसिकली होता कुछ यूं है कि हमें जितने भी और होते हैं ना हमारे माइनक्राफ्ट में, हमें पता नहीं होते कौन से डायरेक्शन में डायमंड है कौन से में कोल है। तो गाइस ये हमें दिखा देता है मोड की कहाँ पे डायमंड है कहाँ पे कौन सा ओर है, तो हमें माइनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। तो गाइस इसी मोड का डाउनलोड लिंक दूंगा, तो अब चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। अब चलो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस मोड को जैसे ही आप अपने वर्ल्ड में एक्टिवेट करते हो तो आपको वर्ल्ड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। जैसे कि देख सकते हो भाई मुझे सिर्फ ओर नज़र आ रहे हैं, मतलब इनने बीच की डर्ट और स्टोन और जितने भी बेकार के ब्लॉक होते हैं ना उन सब को हटा के ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये ओर से दिखाएगा। जैसे कि आप सब देख सकते हो मुझे यहाँ पे भाई कोल दिख चुका है, देख सकते हो ये रहा हमारा कोल, और नीचे भी देखो भाई सारे ओर मुझे यहीं से नज़र आ रहे हैं, तो मेरे को माइनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो गाइस अब एक बात और, अभी यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक दिखेगा, इसको सही करने के लिए आपको जाना होगा अपनी सेटिंग के अंदर। तो इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन में आना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये स्मूथ लाइटनिंग वाला, ये मैंने ऑफ कर दिया। आपका ये इस तरह ऑन होगा तो आपको भी इसको इस तरह ऑफ कर देना है। अब इसके बाद आपको चले जाना है बैक, उसके बाद आपको इन्वेंटरी में होगा ये पोर्शन। अब गाइज आपको ये पोर्शन पीना होगा और देख सकते हो भाई अब मुझे यहाँ पे सारे ओर एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो मतलब जितने भी ओर हैं कोल, और देखो भाई यहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट भी थी जिसको अगर मैं ये मोड ना लगाता तो इसे पीछे छोड़ देता। तो गाइज अब आप बोलोगे कि यार सर्वाइवल में हम ये नाइट विजन वाला पोर्शन कहाँ से लाएंगे, तो गाइज इसकी दिक्कत मतलब मैं अगली वीडियो इसी के मोड पर बनाऊँ इसका भी मोड दे दूँ। तो बस यार इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत तगड़ी तगड़ी मोड्स की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो गाइस देखो अब यहाँ पे सारे ओर हमें नज़र आ रहे हैं, अब थोड़े से मैं आपको डायमंड देख के दिखाता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं थोड़ी नीचे जाता हूँ क्योंकि डायमंड भाई ज़्यादातर नीचे ही मिलते हैं, थोड़ा डीपली जाना होता है हमें। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी नीचे आया मैं, यहाँ पे ओर कोल कॉपर काफ़ी सारे मुझे दिख रहे हैं और देख सकते हो भाई, तो इसे माइनिंग करने में ना काफ़ी ईजी कर देता ये मोड, तो काफ़ी सही मोड है। तो अब चलो पहले थोड़े से डायमंड ढूंढ लेते हैं वरना कि वर्क नहीं है भाई, बेकार मोड है। तो गाइस देख सकते हो अभी तो मुझे कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, तो चलो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं डायमंड मिलेंगे या फिर नहीं। तो गाइस चलो थोड़ा सा नीचे और चलते हैं फिर हमें यहाँ पे डायमंड ज़रूर दिख जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ सारे और नज़र आ रहे हैं, मुझे डायमंड नहीं मिल रहे इतनी देर से माइनिंग कर रहे हैं, आप सब भी कह रहे होगे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं काफ़ी नीचे, अब यहाँ पर ज़रूर डायमंड हमें दिख जाएंगे क्योंकि लैपिस तो दिख चुका है हमें, गोल्ड दिख गया और भाई डायमंड अभी भी। तो चलो थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं क्या पता वहाँ पे हो डायमंड। तो गाइस देख सकते हो हमें यहाँ पे डायमंड दिख चुके हैं, यहाँ पे भी है, वहाँ सामने देखो कितने सारे डायमंड्स हैं, मतलब हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी इसे में डायमंड्स को ढूंढने में। अब गाइस बात कर लेते हैं इस मोड को भाई डाउनलोड करना कैसे है। तो गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपली उस पर टैप करके इसे माइनक्राफ्ट में ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको इसे रिसोर्स पैक में एक्टिवेट करने के बाद अपने वर्ल्ड में ये पांचों एक्सपेरिमेंट गेम प्ले ऑन कर लेने हैं। बस गाइस फिर ये मोड आपके उस माइनक्राफ्ट में वर्क करने लग जाएगा और देख सकते हो भाई मुझे एंशिएंट सिटी भी मिल चुकी है, अब मैं वार्डन को भी मार सकता हूँ और डायमंड तो भाई देख सकते हो कितने सारे नज़र आ गए मुझे, तो है ना एकदम कमाल का मोड। अब इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।